ये हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। तो आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल रिक्वायरमेंट एंड प्लानिंग का। कौन सा? इसको ऑर्डर इन शॉर्ट MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ये जो सम दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा है सम, ये एग्जाम में खुद बार आया हुआ है। एक बार D7 में आया हुआ है, एक बार May 9 में आया हुआ है, एक बार May 12 में, और एक बार December 10 में आया है। ऑलमोस्ट फॉर 10 मार्क्स ईच एंड एवरी टाइम। ओके, नाउ सो ये सम स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़े जानकारी प्राप्त करनी होगी कि इसमें जो टर्म यूज हुए है, लाइक लीड टाइम क्या होता है, ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, सेफ्टी स्टॉक क्या होता है। ओके, तो देखिए क्या क्या यहाँ पे दिया है सम में। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी। तो ऑर्डर क्वांटिटी मतलब कितना, कि हम लोग एक टाइम में कितना अमाउंट सामने वाले वेंडर को प्लेस करेंगे कि हमें वो एक अच्छे रेट में हमें वो आइटम देगा। ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर क्वांटिटी। देन होता है लीड टाइम। लीड टाइम आप देखोगे तो ये होता है, इट इज़ अ टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड रिसिप्ट ऑफ एन ऑर्डर। मतलब ये क्या होता है लीड टाइम, से एग्जाम्पल मैंने आज ऑर्डर प्लेस किया तो मुझे पता है ये कब मिलेगा, आफ्टर 7 वर्किंग डेज में मुझे मिलेगा। तो ओके, तो ये होता है लीड टाइम। यहाँ पे कितना दिया है लीड टाइम, लीड टाइम इज इक्वल टू 4 वीक्स। सेफ्टी स्टॉक कितना है 40, मतलब मुझे मेरा कंपनी रन करने के लिए मेरे पास एटलीस्ट 40 का क्या होना चाहिए, हमेशा सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए हमेशा। देन यहाँ पे लिखा है देखिए प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। ओके, यहाँ पे देखो वीक लिखा है, कितना वीक है, 12 वीक का चार्ट बनाया मैंने यहाँ पे। और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट कितना है, यहाँ पे पहले वीक में 20, सेकेंड वीक में 20, थर्ड वीक में 25, फोर्थ वीक में 20। इस तरह पूरे 12 वीक का संक्षिप्त में यहाँ पे पूरा जानकारी दी हुई है। नाउ शेड्यूल रिसिप्ट, मुझे मैंने ये वीक के पहले किसी पिछले वीक में मैंने ऑर्डर प्लेस किया हुआ होगा, तो वो वीक में का ऑर्डर इस वीक में मुझे मिल रहा है। ओके, कितना मिल रहा है, 70 इन सेकेंड वीक में मुझे मिल रहा है। उसी तरह मेरे पास कितना इन्वेंट्री बचा है इन है, ये मेरे पास बचा है 65। ओके, ये 65 है। ओके, 65 मेरे हाथ में बचा हुआ है। देन प्लान ऑर्डर रिलीज, मैं कभी ऑर्डर रिलीज करूंगा उसके हिसाब से। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। ओके, ये सम एग्जाम में आया हुआ है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑर्डर क्वांटिटी कितना है, यहाँ पे 70 का है। लीड टाइम कितना है, 4 वीक का है। सेफ्टी स्टॉक है मेरा 40 का। ओके, नाउ अभी आपके हाथ में कितना है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे दो पार्टीशन कर लेते हैं, या फिर चलो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं डायरेक्टली आपको। नाउ ऑन है इन्वेंटरी एंड 65, तो ये वीक में कितना खर्चा होने वाला है 20, तो मेरे पास कितना बचेगा 45 बचेगा। नाउ 45 में से ये 20 गया, कितना बचेगा 25, और मुझे मिला कितना 70 मिला, तो 25 + 70 ये हो जाएगा 95। ओके, ये हो जाएगा 95, तो ये कट कर दो, मेरे पास एक्चुअल कितना है 95 अवेलेबल है। देन 95 में से कितना यूज हो रहा है थर्ड वीक में, वो यूज हो रहा है मेरा 25, तो कितना बचेगा यहाँ पे 70। नाउ फोर्थ वीक में कितना यूज हो रहा है आउट ऑफ 70, तो यहाँ पे आएगा 20। अभी ये वीक में कितना खर्चा हो रहा है, तो ये आएगा यहाँ पे 20 खर्चा हो रहा है, मेरे पास कितना है 50, तो कितना बचेगा 30। चलेगा 30? नहीं चलेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये सेफ्टी स्टॉक के नीचे आ गया। ओके, राउंड कर दिया मैंने, कितना हो गया, ये सेफ्टी स्टॉक के नीचे आ गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस तरह से ऑर्डर रिलीज करना पड़ेगा कि ये वीक में ये 40, ये जो 30 नहीं हो, 40 के ऊपर हो। ओके, तो ये मैं कैसे प्लेस करूंगा, देखिए ऑर्डर, मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करता हूँ कि मुझे इस वीक में मुझे ऑर्डर आना चाहिए, और कितना ऑर्डर क्वांटिटी है 70 का ऑर्डर मुझे यहाँ पे रिसीव होना चाहिए। ऑर्डर का लीड टाइम कितना है 4, तो बैक जाइए कि यहाँ पे 4 3 2 1, और अभी 0, मतलब मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करूंगा। देखिए ये 0 वीक। ओके, आज प्लेस किया तो ये 1 वीक अभी होगा, फिर ये 2nd वीक, ये 3rd वीक, और ये 4th वीक में ऑर्डर मुझे मिलेगा यहाँ पे, मतलब ऑर्डर मिलेगा। देखिए ये जो ऑर्डर प्लेस करूंगा वो 0 वीक होगा, उसके बाद इंटरवल आएगा 0 to 1, 1 वीक, फिर 2 वीक, फिर 3 वीक, फिर 4th वीक। तो 4th वीक में मुझे यहाँ पे मुझे ऑर्डर मिलेगा। ओके, समझा आपको? तो ये हो गया, तो मुझे यहाँ पे ऑर्डर मिलेगा 70 का। तो स्टॉक कितना हो जाएगा, ये 30,
और ये 70, तो ये हो गया यहाँ पे 100, तो मेरे पास हो गया अवेलेबल 100, कट कर दीजिए इसको, मेरे पास कितना है, मेरे पास हाथ में 100 है ना, 100 माइनस 25 कितना होगा 75, अगेन 75 माइनस 20 कितना होगा 55, अगेन 55 माइनस 20 ये हो गया 35, अगेन ये क्या करो इसको राउंड कर दो, ओके ये नहीं चलेगा मुझे क्योंकि सेफ्टी स्टॉक चाहिए मुझे, क्या करूंगा अगेन मैं इस तरह से ऑर्डर प्लेस करूंगा कि इस वीक में ऑर्डर मिले, तो ये होगा फोर्थ वीक, तो ये हो जाएगा मेरा, ओके देखिए ये हो जाएगा फोर्थ वीक, थर्ड वीक, टू वीक, फर्स्ट वीक और जीरो वीक, मतलब मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करूंगा, ओके मतलब मैं क्या किया, मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया, तो मुझे यहाँ मिलेगा 1, 2, 3 और फोर्थ वीक में मुझे ऑर्डर मिला, तो कितना आ गया यहाँ पे 35 प्लस 70, तो ये हो गया 105, कितना हो गया ये 105 यहाँ पे हो गया, नो 105 माइनस 30 कितना हो गया ये 75, देन 75 माइनस 25 ये हो जाएगा ओके 50, नाउ देन 50 माइनस 25 ये हो जाएगा 25, अगेन इसको रेड से डार्क किए, ओके ये कट, नाउ इसको भी कट करना है बट अभी नहीं कट करेंगे, जब भी ऑर्डर आएगा तब कट करेंगे, तो यहाँ पे आया ऑर्डर 70 का, ये ओके 4, 3, 2, 1 और ये 0, मतलब मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया, तो ये कट कर दो जो ना, अभी कितना आ गया फिर ये 25 प्लस 70 कितना हो गया ये 95, ना 95 माइनस 25 कितना हो गया फिर ये 70, तो ये रहा मेरा चार्ट, मेरे हाथ में कितना बचेगा नेक्स्ट वीक के लिए 70 मेरे पास बचेगा, तो ये हो गया अबाउट द एमआरपी का सम, जो कि आपको बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ओके ये वीडियो को 2-3 बार देखिए पॉज करके आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।